हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल आसिफ। और आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 5 कंप्यूटर में व्यूइंग प्रेजेंटेशन ओपन ऑफिस इम्प्रेस ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन विथ सॉल्वड एक्टिविटीज। सो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है चैप्टर का? आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस चैप्टर लर्नर्स विल बी एबल टू अप्रिसिएट अंडरस्टैंड एंड अंडरस्टैंड वेरियस प्रेजेंटेशन व्यूज सच एज नॉर्मल स्लाइड सॉर्टर नोट स्लाइड शो व्यू। मतलब इस चैप्टर के एंड में हम लोग प्रेजेंटेशन व्यूज के बारे में समझ लेंगे, लाइक नॉर्मल व्यू स्लाइड सॉर्टर व्यू नोट्स व्यू स्लाइड शो व्यू। वी कैन ऑल्सो डिफ्रेंशिएट बिटवीन डिफरेंट व्यूज एंड यूज देम इफिशियंटली। डिफरेंट डिफरेंट व्यूज में क्या डिफरेंस होता है वो भी पढ़ लेंगे। एंड अप्रिसिएट द यूज ऑफ शॉर्टकट कीज टू ओपन डिफरेंट व्यूज। और ये इसके साथ साथ हम लोग ये भी जान लेंगे कि क्या यूज़ होता है शॉर्टकट कीज का टू ओपन डिफरेंट व्यूज इन ओपन ऑफिस इम्प्रेस। सो लेट्स स्टार्ट। टोबो एंड डोबो प्रिपेयर्ड ए प्रेजेंटेशन यूजिंग द टूल्स लर्नड इन द प्रीवियस चैप्टर्स। प्रीवियस चैप्टर में टोबो डोबो पढ़ा था प्रेजेंटेशन बनाना। दे मेड ए वेरी इफेक्टिव एंड आई कैचिंग प्रेजेंटेशन बाय अप्लाइंग वेरियस ट्रांजिशन इफेक्ट्स एडिंग नरेशंस एंड टाइमिंग द शो। इसके प्रीवियस चैप्टर में हम लोग पढ़े थे कि डोबो लोग क्या सीखे थे, ट्रांजिशन इफेक्ट्स लगाना स्लाइड में, एडिंग नरेशन ऐड करना और टाइमिंग शो का टाइमिंग शो करने के लिए स्लाइड शो में क्या टाइमिंग लगाना वो सेट करना सीखे थे लास्ट क्लास में। दे वेंट टू द कंप्यूटर लैब टू शो देयर प्रेजेंटेशन टू द कंप्यूटर टीचर। अब वो लोग कहाँ गए? कंप्यूटर लैब गए टू शो द प्रेजेंटेशन टू द कंप्यूटर टीचर। अपना प्रेजेंटेशन को किसको दिखाने गए? कंप्यूटर टीचर को। टीचर, वेल डन टोबो एंड डोबो, यू हैव मेड अ वेरी इफेक्टिव प्रेजेंटेशन। However, I want you to add notes to this presentation besides rearrange the order of few slides. अब क्या बोला डोबो और टोबो को? वेल्डन बोल रहे उसके कंप्यूटर टीचर। और यू हैव मेड अ वेरी इफेक्टिव प्रेजेंटेशन, और उसका प्रेजेंटेशन का बहुत तारीफ हो रहा है कि प्रेजेंटेशन बहुत इफेक्टिव है। लेकिन however, I want you to add notes. अब वो नोट्स ऐड करने के लिए प्रेजेंटेशन में बताएंगे। इसके अलावा कैसे स्लाइड्स को अरेंज किया जाता है वो भी सिखाएगा। डोबो, रीअरेंजिंग ऑर्डर सीक्वेंस ऑफ स्लाइड्स वोंट बी इजी। डोबो बोलता है मतलब जो स्लाइड्स आप बनाते हैं 1 2 3 4 उसको रीअरेंज करना ये कोई आसान काम नहीं है। तो टीचर क्या बोलते हैं? इट इज इजी इफ यू यूज डिफरेंट प्रेजेंटेशन व्यूज। डोबो, व्हाट आर प्रेजेंटेशन व्यू? डोबो, आई गेस आई हैव सम आइडिया। टीचर बोल रहे कि आपके लिए जो स्लाइड्स को अरेंज करना ये बहुत ही इजी टास्क है अगर तुम क्या जानोगे डिफरेंट प्रेजेंटेशन व्यूज के बारे में जानोगे। देन डोबो इज सेइंग व्हाट आर प्रेजेंटेशन व्यूज। देन टोबो इज सेइंग आई गेस आई हैव सम आइडिया, मुझे लगता है मुझे कुछ आइडिया है। देखो ये आपका टोबो है और ये आपका डोबो है और ये कंप्यूटर टीचर है। टीचर, देयर आर मेनी व्यूज अवेलेबल इन इम्प्रेस टू व्यू ए प्रेजेंटेशन विच हेल्प सिग्निफिकेंटली इन मेकिंग ए प्रेजेंटेशन। बिसाइड्स इफेक्टिव यूज ऑफ दीज व्यूज गिव्स अ प्रोफेशनल अपीयरेंस टू द प्रेजेंटेशन। टीचर क्या बोल रही है? यहाँ पे बहुत सारा व्यूज अवेलेबल है इम्प्रेस में प्रेजेंटेशन को देखने के लिए जो प्रेजेंटेशन को इफेक्टिव बनाता है और प्रोफेशनल अपीयरेंस देता है। वी कैन व्यू अ प्रेजेंटेशन इन मेनी डिफरेंट स्पेसिफिक व्यूज लाइक प्रिंटिंग अरेंजिंग स्लाइड सिक्वेंस एडिंग सम नोट्स ऑन द स्लाइड्स एक्सेट्रा। नाउ चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं प्रेजेंटेशन व्यूज के बारे में। व्यू सच प्रेजेंटेशन व्यूज है, पहला होता है नॉर्मल व्यू, इसको कॉपी में आप लिखे स्लाइड सॉर्टर व्यू नोट्स व्यू स्लाइड शो व्यू। दीज आर द डिफरेंट 4 टाइप्स ऑफ व्यूज इन ओपन ऑफिस इम्प्रेस। लेट अस डिस्कवर दीज व्यूज फर्दर। टू डिस्कवर दीज व्यूज फर्दर, सबसे पहला है नॉर्मल व्यू। दिस इज द डिफॉल्ट व्यू, जो आपसे पूछे गए नॉर्मल व्यू क्या होता है, ये डिफॉल्ट व्यू होता है प्रेजेंटेशन का, ठीक है। एंड द मेन व्यू इन विच वी डिजाइन एंड एडिट आवर प्रेजेंटेशन। और डिफॉल्ट नॉर्मल व्यू को हम लोग क्या बोलते हैं? मेन व्यू बोलते हैं। और जितना भी डिजाइनिंग और एडिटिंग होता है प्रेजेंटेशन का वो नॉर्मल व्यू में होता है। यूजुअली व्हेनेवर ए प्रेजेंटेशन इज ओपनड इट ओपन्स इन दिस व्यू। जब भी हम लोग प्रेजेंटेशन ओपन करते हैं तो इसी व्यू में खुलता है। जैसे हम लोग इम्प्रेस ओपन करते हैं, देखिए जस्ट आई एम टाइपिंग इम्प्रेस, इम्प्रेस दिख रहा है आपको, क्लिक ऑन दैट।
सेकंड ओपन हो रहा है चिल्ड्रन, अभी ओपन हो रहा है, तब तक हम लोग आगे बढ़ते हैं। एज इंडिकेटेड इन द स्क्रीन बिलो, देखिए यहाँ पे आपका नॉर्मल व्यू, आउटलाइन व्यू, नोट्स व्यू, हैंडआउट व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू दिख रहा है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे आपका प्रेजेंटेशन देखिए ओपन हो गया है, फर्स्ट टाइम ओपन होगा तो इसी तरह दिखेगा। इसको क्रिएट पे आप क्लिक कर देना, क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो यू विल सी द स्क्रीन ऑफ इम्प्रेस। जस्ट अ सेकंड चिल्ड्रन। However, if you wish to switch over to normal view from any other view, following steps should be followed. देखिए इम्प्रेस खुल रहा है, तो दिस इज द व्यू। देखिए ये जो व्यू है, देखिए नॉर्मल व्यू सेलेक्टेड है, ये जो व्यू खुला है इसको हम लोग नॉर्मल व्यू बोलते हैं। दिस व्यू इज नोन एज नॉर्मल व्यू। स्विच करना है अगर आउटलाइन व्यू में तो आउटलाइन व्यू में क्लिक करना होगा। नोट्स व्यू में जाना है तो नोट्स व्यू पे क्लिक करेंगे। हैंड आउट व्यू में जाना है तो हैंड आउट व्यू में क्लिक करेंगे। स्लाइड सॉर्टर व्यू में जाना है तो स्लाइड सॉर्टर व्यू में जाएंगे। अभी एक ही स्लाइड है, फिर से नॉर्मल व्यू में जाना है, नॉर्मल व्यू में क्लिक करेंगे, ठीक है ना। स्विचिंग भी देख लिया मैं। क्लिक ऑन व्यू इन द मेनू बार, क्लिक ऑन नॉर्मल, ठीक है। एक और तरीका क्या है, आप यहाँ से जाएंगे व्यू में, और व्यू में देखिए नॉर्मल, आउटलाइन, स्लाइड सॉर्टर, स्लाइड शो, नोट्स, हैंड आउट व्यू, यहाँ भी सारा व्यू दिया हुआ है। यहाँ से भी आप स्विच कर सकते हो ना। व्यूइंग प्रेजेंटेशन, ओपन ऑफिस इम्प्रेस, नॉर्मल व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू, नोट्स व्यू, ये आप चाहो तो स्लाइड में अपना लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप चाहें तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं चैप्टर का नाम, व्यूइंग प्रेजेंटेशन, ठीक है। व्यूइंग प्रेजेंटेशन, व्यूइंग प्रेजेंटेशन, ठीक है। इसमें हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, लेफ्ट कर लेते हैं, और इसमें हम लोग लिख सकते हैं कौन कौन सा व्यू है, जैसे स्लाइड शो व्यू है, स्लाइड शो है, फिर स्लाइड सॉर्टर है, देन नोट्स है, नोट्स व्यू है, देन हैंडआउट है, हैंडआउट व्यू है, फिर आउटलाइन है, पांच व्यू है। देखिए इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। इसको सेलेक्ट करके आप बोल्ड कर लीजिए। इसका कलर को चेंज करना तो यू जस्ट चेंज द कलर ऑफ दिस, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग चैप्टर को पढ़ते हैं। क्लिक ऑन द टैब टाइटल्ड नॉर्मल प्रेजेंट ऑन द व्यू पैनल एज शोन इन द गिवन डायग्राम। अब यहाँ पे डायग्राम में भी देखिए लेफ्ट साइड में भी पैनल दिया हुआ, आप सारे व्यूज में चेंज कर सकते हैं। दिस विल इमीडिएटली चेंज द व्यू टू नॉर्मल व्यू। देखिए यहाँ पे जो पैनल दिया हुआ है, यहाँ पे आप नॉर्मल, आउटलाइन है ना, नोट्स, हैंडआउट, सब व्यू में चेकआउट कर सकते हैं। डिटेल्ड व्यू में क्लिक करेंगे तो डिटेल्ड में भी आएगा, आइकन व्यू करेंगे तो आइकन व्यू आएगा। तो बेसिकली हम लोग इस पर स्विच इस तरह से कर सकते हैं ना। मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, स्लाइड सॉर्टर व्यू क्या होता है। इन दिस व्यू स्लाइड अपीयर्स इन स्मॉलर फॉर्म और थंबनेल फॉर्म। दिस व्यू इज वेरी हेल्पफुल इफ यू विश टू सी ऑल द स्लाइड टुगेदर ऑन द सिंगल स्क्रीन ऑर्डर टू चेंज द स्लाइड सीक्वेंस और टू टेक प्रिंट आउट ऑफ द स्लाइड्स। स्लाइड सॉर्टर व्यू क्या होता है, इफ यू वांट टू रीअरेंज द स्लाइड में सॉर्टिंग करना, ठीक है, फर्स्ट वाला को सेकंड, सेकंड वाला को थर्ड में अरेंज करना है, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, स्लाइड सॉर्टर व्यू का यूज करते हैं, ठीक है। दिस इज बेसिकली यूज टू चेंज द स्लाइड सीक्वेंस और टू टेक प्रिंट आउट ऑफ द स्लाइड्स। स्लाइड का अगर प्रिंट आउट चाहिए तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे अगर स्लाइड्स लिए हैं, ये फर्स्ट स्लाइड है, एक और न्यू स्लाइड इंसर्ट करना, तो इंसर्ट में जाएंगे, स्लाइड पे क्लिक करेंगे या राइट क्लिक करेंगे, न्यू स्लाइड्स पे क्लिक करेंगे तो ये स्लाइड ऐड हो जाएगा, ठीक है। देखिए है ना, ये देखिए राइट क्लिक, न्यू स्लाइड। अब इस स्लाइड पे हम लोग लिख देते हैं, सपोज हम लोग लिख देते हैं इसमें राइटर, ठीक है, और इस स्लाइड में हम लोग लिख देते हैं, इसमें हम लोग लिख देते हैं एमएस वर्ड, ठीक है। इस स्लाइड में हम लोग लिख देते हैं, इसमें हम लोग लिख देते हैं सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, सब अलग अलग टॉपिक सपोज हम लोग लिख दिए अलग अलग स्लाइड्स में। हाउ मेनी स्लाइड्स आर देयर, देयर आर फाइव डिफरेंट, सॉरी फोर डिफरेंट स्लाइड। अब इस पर और राइट क्लिक करके डुप्लीकेट और न्यू स्लाइड और भी बना सकते हैं। फाइव में हम लोग लिख देते हैं सपोज हार्डवेयर, ये हम लोग का बन गया हार्डवेयर, ठीक है।
अब इसका स्लाइड सॉर्टर व्यू में क्लिक कीजिए, ये देखिए यहाँ पे जाके स्लाइड सॉर्टर व्यू देख सकते हैं, और फिर नॉर्मल व्यू में यहाँ क्लिक करेंगे नॉर्मल व्यू आ जाएगा, या स्लाइड सॉर्टर व्यू व्यू में जाएंगे और यहाँ पे भी स्लाइड सॉर्टर व्यू, यही बुक में बताया है। ठीक है, आइए हम लोग चलते हैं। स्टेप टू स्विच ओवर टू स्लाइड सॉर्टर व्यू आर एज फॉलोज, व्यू इन द मेनू बार, क्लिक ऑन स्लाइड सॉर्टर व्यू, अभी हम लोग करके देखे है ना। अब क्लिक ऑन द टैब टाइटल्ड स्लाइड सॉर्टर प्रेजेंट ऑन द व्यू पैनल एज शोन इन द फिगर डायग्राम, दिस विल इमीडिएटली चेंज द व्यू टू स्लाइड सॉर्टर व्यू। देखिए यहाँ पे भी स्लाइड सॉर्टर व्यू पे क्लिक करके भी हम लोग गए थे, दोनों प्रैक्टिकल हम लोग देख चुके हैं। इन स्लाइड सॉर्टर व्यू स्लाइड्स विल अपीयर इन द मिनिएचर फॉर्म, स्लाइड्स किस फॉर्म में अपीयर होता है स्लाइड सॉर्टर व्यू में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिनिएचर के फॉर्म में है ना, ये वन मार्क्स के एमसीक्यू में हो सकता है। वी कैन चेंज द स्लाइड सॉर्टर ऑर्डर और सीक्वेंस बाय ड्रैगिंग द स्लाइड टू न्यू पोजिशन, एक्टिविटी टेस्ट में हो सकता है, वन मार्क्स का एमसीक्यू में पूछ सकता है ना। स्लाइड सॉर्टर व्यू में स्लाइड्स किस फॉर्म में अपेयर होता है, तो इन द मिनिएचर फॉर्म। नेक्स्ट है, स्टेप्स टू चेंज द स्लाइड सीक्वेंस आर गिवेन बाय, अब स्लाइड का सीक्वेंस कैसे आप चेंज करोगे, सेलेक्ट दैट स्लाइड विच यू वॉन्ट टू ब्रिंग बैक और फोर्थ, प्रेस द लेफ्ट माउस बटन, ड्रैग द माउस बैक और फोर्थ एज रिक्वायर्ड वाइल होल्डिंग इट डाउन, रिलीज द बटन, देन फोर्थ स्लाइड इज मूव्ड आफ्टर द सेकेंड स्लाइड इन द एवर फिगर, तो स्क्रीन शोविंग न्यू स्लाइड ऑर्डर और सीक्वेंस आफ्टर मूविंग फोर्थ स्लाइड आफ्टर द सेकेंड, इन दिस व्यू वी कैन चेंज इवन चेंज द नंबर ऑफ स्लाइड दैट कैन बी व्यूड इन वन हॉरिजॉन्टल रो बाय स्पेसिफाइंग डिजायर्ड स्लाइड नंबर, डिजायर्ड नंबर इन द बॉक्स एज शोन इन द गिवन डायग्राम। देखिए क्या बोल रहा है, यहाँ देखिए आपको अगर मान लो जो भी स्लाइड्स को चेंज करना है तो इसको पकड़ेंगे लेफ्ट से और ये लास्ट फोर वाला स्लाइड को हम लोग सेकेंड के बाद रिलीज कर देंगे। देखिए ये चला गया थर्ड में, अब ये आप चाहते हो ये हार्डवेयर वाला जो स्लाइड है पांच वाला, ये आप चाहते हो थर्ड में आ जाए, तो यहाँ पे लाके लेफ्ट माउस बटन से ड्रैग कर देंगे, थर्ड में चला गया। आप ये सिस्टम सॉफ्टवेयर वाला चाहते हैं कि सेकंड में आ जाए, तो यहाँ पे ड्रैग करेंगे बीच में छोड़ देंगे। अभी आप देख रहे हो कि एक रो में चार स्लाइड दिख रहा है, हाउ मेनी स्लाइड्स, चार स्लाइड्स, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए चिल्ड्रन चार स्लाइड्स, यू कैन सी देयर इज अ फोर स्लाइड। आप चाहते हो कि ना एक बार में तीन ही स्लाइड दिखे तो यहाँ पे चेंज आप कर सकते हो, देखो तीन स्लाइड, आप चाहते हो दो स्लाइड दिखे तो दो, आप चाहते हो एक स्लाइड तो एक, आप बढ़ा सकते हो, आप चाहते हो एक साथ पांचों स्लाइड दिखे तो यहाँ पांच कर दीजिए, देखिए पांचों स्लाइड दिख रहा है, प्रिंट आउट लेके पांचों स्लाइड को देख सकते हैं एक बार में, तो ये जो सीक्वेंस है पांच स्लाइड्स को एक साथ देखने के लिए यहाँ से हम लोग चेंज कर सकते हैं, वही चीज़ यहाँ भी बता रहा है। ठीक है, यहाँ पे चेंजेस है। मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, बॉक्स टू सेट नंबर ऑफ स्लाइड्स इन वन हॉरिजॉन्टल रो, ये तो अभी हम लोग सेट किए ही, कितना नंबर ऑफ स्लाइड्स आपको एक हॉरिजॉन्टल रो में दिखाना है, इन दिस केस फाइव स्लाइड्स कैन बी सीन इन वन हॉरिजॉन्टल रो, यहाँ पे सेट किया है इसने इस पोजीशन पे, और हम लोग भी यहाँ पे अभी सेट किए हैं, देखिए पाँच है ना, यहाँ पे पाँच मैंने लिखा, तो पाँच एक दो तीन चार पाँच स्लाइड एक बार में दिख रहा है ना। इन दिस केस थ्री स्लाइड कैन बी सीन इन वन हॉरिजॉन्टल रो, थ्री करेंगे तो थ्री आएगा, टू करेंगे टू आएगा। नेक्स्ट है नोट्स व्यू, इन दिस व्यू प्रेजेंटर कैन ऐड सम नोट्स ऑन द स्लाइड्स है ना, यहाँ पे क्या कर सकते हैं प्रेजेंटर ऐड क्या करेगा स्लाइड में नोट्स ऐड कर सकता फॉर हिज और हर रेफरेंस, दीज नोट्स विल नॉट बी विजिबल टू द ऑडियंस, नोट्स व्यू में जो भी नोट्स आप ऐड करोगे तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट विल नॉट बी विजिबल टू द ऑडियंस ड्यूरिंग द स्लाइड शो, ये एक मार्क्स का क्वेश्चन है। इन विच व्यू नोट्स विल नॉट बी, मतलब नोट्स विल नॉट बी विजिबल टू द ऑडियंस ड्यूरिंग स्लाइड शो, तो इसका आंसर होगा नोट्स व्यू, वी कैन टेक प्रिंट आउट ऑफ दीज नोट्स एंड कैन रेफर टू देम वाइल गिविंग ए प्रेजेंटेशन। स्टेप टू स्विच ओवर टू नोट्स व्यू के लिए वही चीज़ है, फिर यहाँ पे व्यू में जा करके कर सकते हैं या मेनू बार में, ये बार बार बता चुका है मैंने, बता चुका हूँ। क्लिक ऑन द टैब टाइटल नोट्स प्रेजेंट द व्यू पैनल, वही चीज़ है ये चिल्ड्रन बार बार, ये व्यू से भी आप जा सकते हैं, देखिए नोट्स व्यू में जाना है आपको, नोट्स व्यू में चले गए, अदरवाइज यहाँ पे भी है नोट्स व्यू, नॉर्मल व्यू गए और फिर नोट्स व्यू में आ गए, तो ये तो सिंपल है। नेक्स्ट है आपका, ए रेक्टेंगुलर टेक्स्ट बॉक्स विल अपीयर बिलो द स्लाइड एज शोन बिलो, नोट्स व्यू में आ ही रहा है, ठीक है, विच कैन बी यूज टू राइट एनी टेक्स्ट रिलेटेड टू द स्लाइड फॉर द फ्यूचर रेफरेंस, दिस टेक्स्ट विल नॉट बी डिस्प्लेड टू द ऑडियंस ड्यूरिंग द स्लाइड। सो देखिए जब हम लोग क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स आपको दिख रहा है, इसमें जो भी आप लिखोगे दैट टेक्स्ट विल नॉट बी विजिबल टू द ऑडियंस, यहाँ ये जो है ये ऑडियंस को दिखेगा नहीं, ये आपको दिखेगा, ऑडियंस को
नहीं दिखेगा, ठीक है। इसी टेक्स्ट बॉक्स में आप कुछ भी लिख सकते हैं। द प्रेजेंटर कैन कंफर्टेबली रेफर टू दिस एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन के टाइम में उसको रेफर कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट है आपका स्लाइड शो व्यू। डोबो, यस आई रिमेम्बर माई फादर टोल्ड मी अबाउट दिस, उसके फादर बताए। नाउ हम लोग पढ़ेंगे स्लाइड शो व्यू। दिस व्यू इज यूज टू डिलीवर और टू शो द प्रेजेंटेशन टू द ऑडियंस। इस व्यू से हम लोग क्या करते हैं, डिलीवर करते हैं या शो करते हैं प्रेजेंटेशन किसको, ऑडियंस को। जब हमको प्रेजेंटेशन ऑडियंस को दिखाना रहता है तो हम लोग कौन सा व्यू यूज करते हैं, स्लाइड शो व्यू। इन दिस व्यू इंडिविजुअल स्लाइड्स ऑफ द प्रेजेंटेशन विल अपीयर वन बाय वन इन फुल स्क्रीन मोड। इस व्यू में क्या होता है, जो स्लाइड्स है इंडिविजुअली अपीयर होता है वन बाय वन इन फुल स्क्रीन मोड। इन दिस व्यू वी सी आवर प्रेजेंटेशन एग्जैक्टली इन द सेम वे इन विच द ऑडियंस विल व्यू द प्रेजेंटेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है, हम लोग प्रेजेंटेशन को उसी तरह से देखते हैं जिस तरह से ऑडियंस व्यू करता है प्रेजेंटेशन। दिस हेल्प इन चेकिंग, क्या क्या हेल्प करता है, चेकिंग एंड अरेंजिंग द स्लाइड्स, चेकिंग हाउ द टेक्स्ट ग्राफिक साउंड और नरेशन एंड इफेक्ट्स ऑफ इंडिविजुअल स्लाइड्स एंड होल प्रेजेंटेशन विल अपीयर ड्यूरिंग द एक्चुअल प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग आते हैं इम्प्रेस में और ये देखिए व्यू में गए और स्लाइड्स, इसका शॉर्टकट क्या होता है, F5 क्लिक कर देंगे, देखिए आ गया, इंटर इंटर जो स्लाइड है इंटर करेंगे आ जाएगा। बाहर आने के लिए एस्केप की दबाना होगा हम लोग, ठीक है। वी कैन एग्जिट स्लाइड शो व्यू बाय प्रेसिंग एस्केप की, एस्केप की से स्लाइड शो से, अभी देखिए एस्केप की मैंने दबाया था, टू कम बैक टू द नॉर्मल व्यू और फॉर फर्दर मॉडिफिकेशन के लिए। फ्यू पेज ऑप्शन आर गिवन बिलो टू स्टार्ट स्लाइड शो, वी कैन यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन, फिर वही है व्यू से भी स्लाइड शो या फिर आप यहाँ पे भी स्लाइड शो ऑप्शन आता उससे कर सकते हैं, ठीक है। वो फिर से बार बार मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे देखिए आप स्लाइड शो व्यू है, यहाँ से भी कर सकते हैं, व्यू से भी कर सकते हैं, यहाँ भी स्लाइड शो व्यू है, ये देखिए, ठीक है। एस्केप से बाहर आ जाएंगे, नॉर्मल व्यू में स्विच कर लेते हैं। नेक्स्ट है क्लिक ऑन द स्लाइड शो ऑप्शन प्रेजेंट ऑन द टूल बार, यहाँ से भी कर सकते हैं। ऑप्शन 4, प्रेस F5 की भी प्रेस करने से स्लाइड शो हो जाएगा एंड इंडिविजुअल स्लाइड्स विल स्टार्ट अपीयरिंग वन बाय वन इन फुल स्क्रीन मोड ऑन द स्क्रीन। F5 इज द शॉर्टकट की टू स्टार्ट द प्रेजेंटेशन स्लाइड शो। वी कैन यूज डाउन एरो की टू गो टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड अप एरो की टू मूव टू द प्रीवियस स्लाइड। एट द एंड ऑन द ब्लैक स्क्रीन फॉलोइंग मैसेज विल बी डिस्प्लेड, क्लिक टू एग्जिट प्रेजेंटेशन एज सून। चलिए हम लोग करके देखते हैं, ठीक है, करके देखते हैं तो और अच्छा रहेगा। यह मैंने अभी F5 फर्स्ट स्लाइड से शुरू करते हैं, F5 मैंने प्रेस किया, ये स्लाइड स्टार्ट हुआ। अब राइट एरो से देखिए नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, क्लिक टू एग्जिट प्रेजेंटेशन भी कर सकते हैं या एस्केप की दबा सकते हैं तो मोड में आ जाएंगे नॉर्मल मोड। क्लिक एनी वेयर ऑन द ब्लैक स्क्रीन टू कम बैक टू द नॉर्मल स्क्रीन। एक एक्टिविटी, ओपन द प्रेजेंटेशन मेड इन द प्रीवियस क्लास, मूव द स्लाइड फ्रॉम वन पोजिशन टू अदर, मूव फिफ्थ स्लाइड टू सेकेंड, थर्ड टू लास्ट, कर सकते हैं, अभी तो बताया मैंने। डिवाइड होल क्लास इंटू 3 ग्रुप, ईच ग्रुप में बी आस्क्ड टू सर्च इन्फॉर्मेशन ऑन वन ऑफ द 3 स्टोन एजेस, पैलेथिक, ओल्ड स्टोन, मेसोलिथिक, मिडिल स्टोन, नियोलिथिक, न्यू स्टोन। क्रिएट ए प्रेजेंटेशन ऑन द स्टोन एज सिलेक्टेड, एड नोट्स वेयर रिक्वायर्ड, ईच ग्रुप मस्ट प्रेजेंट देयर प्रेजेंटेशन टू द होल क्लास। दिस एक्टिविटी कैन बी कंडक्टेड अंडर द गाइडेंस एंड सपोर्ट ऑफ सोशल साइंस टीचर। इसके बारे में आप प्रेजेंटेशन बनाएं चिल्ड्रन, ये आपके लिए लैब एक्टिविटी है, मैंने बता दिया है प्रोसेस। अब एक्टिविटी दिया हुआ है आपको, डिवाइड द क्लास इनटू 4 ग्रुप्स, ईच ग्रुप शुड बी आस्क्ड टू रिप्रेजेंट वन व्यू, वन मेंबर फ्रॉम ईच ग्रुप विल टेल द फीचर्स ऑफ द व्यू अलॉटेड टू देयर ग्रुप, अदर ग्रुप्स विल आइडेंटिफाई द व्यू दैट ग्रुप इज प्रेजेंटिंग एंड राइट द फीचर्स अंडर द करेक्ट हेडिंग, ठीक है। एक ग्रुप नॉर्मल व्यू बताएगा, दूसरा उसका फीचर्स के बारे में बताएगा, ठीक है। तो नॉर्मल व्यू है, नॉर्मल व्यू डिफॉल्ट व्यू होता है प्रेजेंटेशन का। वी कैन डिजाइन और एडिट आवर प्रेजेंटेशन इन नॉर्मल व्यू। स्लाइड सॉर्टर व्यू इज स्मॉल फॉर्म होता है और थंबनेल फॉर्म होता है, ऑल स्लाइड टुगेदर ऑन द सिंगल स्क्रीन, ये हो गया इसके बारे में। नोट्स वी यूज टू ऐड नोट्स इन द स्लाइड, नॉट विजिबल टू द ऑडियंस, ऑडियंस को नहीं दिखता है। एंड स्लाइड शो व्यू टू शो प्रेजेंटेशन टू द ऑडियंस। इसके बाद फिर एक्टिविटी दिया हुआ है आपको, एक्टिविटी क्या दिया हुआ है चलिए आगे देखते हैं। टिक करना राइट पे, क्रॉस करना रॉन्ग पे। ओनली वन प्रेजेंटेशन व्यू इज अवेलेबल इन इम्प्रेस, क्रॉस नो।
Normal view is the main view in which we design or edit the presentation. Yes. To switch over to normal view, click on the slide. So normal view, no. Slide sorter view is helpful if we want to change the slide sequence. Yes. We cannot switch over to slide overview from normal view. No. In slide sorter view, one slide appear at a time. No. We can change the number of slides to be appearing in one horizontal row in the slide sorter view. Yes. In notes view, all slides will appear in miniature form. No. Notes added in notes view will be visible during slides. So no. F6 is the used for slides. So no. Compare writer with open office impress. Do you find similar views in writer? Justify your answer. Yes. Toolbar, status bar, ruler, sidebar, navigator, zoom are the similar views available in writer or impress. So this is about the all explanation of chapter 5 open office impress in computer. ठीक है, अगर आपको चैनल अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें इस तरह का और भी वीडियो के लिए. तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया.